गाजीपुर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इस खबर के सामने आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है, साथ ही लोगों में भी भय का माहौल बन गया है। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक समेत 24 अन्य लोग भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। आइए आपको इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। एक मरीज तुलसी सागर चुंगी के रहने वाले हैं, तो एक मरीज रौजा सदर गाजीपुर के कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। पुलिस लाइन के 3 DWH का एक कर्मचारी, एक मेघ कासिमाबाद और एक सोन बरसा कासिमाबाद के कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं सूची के अनुसार गाजीपुर के सैयदवारा पोस्ट पीरनगर में भी 3 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। मर्दा के पारा पोस्ट रूहीपुर में 3, मोहम्मदाबाद में 2, पीरनगर सिकंदरपुर में 1 मरीज पाए गए हैं। गाजीपुर बलिया रोड खालिसपुर में 1 समेत जिला चिकित्सालय का फार्मासिस्ट भी कोरोना से संक्रमित पाया गया है। देवकली के पचारा, रेवतीपुर के गोपालपुर में 1, डिलिया तलवल में भी 1 मरीज पाए गए हैं। साथ ही रुई मंडी छोटा महादेवा में भी 1 मरीज पाए गए हैं। आपको बता दें कि गाजीपुर में रोजाना कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बुधवार यानी कल भी कोरोना के 27 मरीज पाए गए हैं। ऐसे में हमारी आपसे अपील है, आप अपना ख्याल रखें, सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करें और बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर पहनें। और गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।